बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मज़ेदार सा स्नैक तैयार करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। मेरे पास आलू हैं बॉईल किए हुए, इसको हम कद्दूकश करेंगे। ये एक कप हमारे पास चावल का आटा है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है हमारे पास, हरी प्याज है, नमक हसबे ज़ायका या 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च भी 1 टीस्पून और काली मिर्च भी मैं थोड़ी सी डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब। 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक है। पहले हम आलू को कद्दूकश करेंगे जो बॉयल है मेरे पास। मैंने 1 टेबल स्पून भर के घी लिया है, अगर मक्खन है तो मक्खन डाल दें, ऑयल डालना है तो वो डाल दें। ये लहसुन अदरक डाल दिया 1 ही टेबल स्पून, दोनों को मिक्स कर लिया था मैंने। नमक डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून डालेंगे किसी भी मिर्च, काली मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने ये जो दिखाया था कुटी हुई मिर्च है। आप चाहें तो कम कर लें बच्चे के लिए ना। तो साथ में ये हरी प्याज भी डाल दूंगी। 1 कप पानी लिया है जिससे मैंने वो नापे है ना चावल का आटा, इतना ही चावल का आटा है मेरे पास और इतना ही मैंने इसमें पानी लिया है। अब ये इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, इसका गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे, फिर इसमें आलू में डालेंगे इसको ना। पानी अच्छी तरीके से खुश हो गया, पूरा समझे हलवे की शक्ल में आ चुका है ये सारा ना। जो हमने आलू कद्दूकश किए थे देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है कोई भी आलू जैसे हल्का सा भी नज़र आ रहा हो आपको। और ये जो बनाया हमने बैटर इसका चावल के आटे का, ये इसमें डाल के मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर इसकी बाइंडिंग के लिए, 1/2 से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से तरीके से मिक्स हो जाए। साथ में ये भी डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर भी, 2 टेबल स्पून हमने लिए भर के। पूरा बैटर जो है मैंने आटे के तरीके से गूंद दिया है। अब हमने एक ढक्कन लिया स्टील का, इसको हम पहले ग्रीस करेंगे ऑयल से ताकि इस पर चिपके ना, अच्छे तरीके से कर लेंगे सारा। ये देखिए मैंने फैला लिया है, इसके हम ये पहले किनारे हटा देंगे ताकि इसके हम चकोर पीस काट सकें। ये देखिए हल्का हल्का इस पर ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपकेगे नहीं इस तरह। ये देखिए मैंने इस तरह से बर्फी की शक्ल में इनको काट लिया है। अब इसको हम लगाएंगे इस पर ब्रेड क्रम्ब और चारों तरफ से घुमा घुमा के लगाएंगे और ऑयल हमारा गर्म है, हम इस पर फ्राई करेंगे इसको। बहुत आसान रेसिपी है और बिल्कुल इजी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे फ्राई करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी, कितने ज़बरदस्त बने हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, लंच बॉक्स के लिए भी, मेहमान वगैरह आ जाएं उनके लिए भी ज़बरदस्त रेसिपी। इंशाल्लाह फिर एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।